सही में? हाँ हाँ, कल मैंने नोटिफाई तो किया था, एप्लीकेशन में नहीं आया था क्या नोटिफिकेशन? चलो कोई ना, सबकी बैंड बजी है। करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन जुड़ गए। नहीं बट पता है, देखो जनरली क्या होता है, जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन आपके आराम से 1 घंटे में हो जाने चाहिए, 1 घंटा 1.25 घंटे में, मतलब उससे ज्यादा टाइम तो लेना ही नहीं है, क्योंकि उसको आपको रिकॉल वो ऑब्वियसली तो देखना है, एक बार चेक भी तो करना है कि अच्छा। नहीं, बट देखना सही है। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जिस क्वेश्चन में आप श्योर शॉट हो उस क्वेश्चन को टिक कर दो, लाइक उसमें गोला लगा लो। और ये गलती कभी मत करना, कई बार लोग सोचते हैं कि अपन बाद में एक साथ गोला लगाएंगे, एक भी अगर चेंज हुआ तो पूरा सीरियल जो है वो चेंज हो जाता है, फिर भगवान भरोसे हो जाती है चीजें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एनीवेज चलो जय हिंद, लेट्स स्टार्ट। तो देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कल भी हमने जो है वो कवर किया था, डिस्कस किया था, क्या है ये प्रोग्राम थोड़ा सा बता दो मुझे। कल ही पढ़ा है बनने। हाँ, बीएसएफ वाला भी था इसमें। हाँ, तो विलेजेस को डेवलप करने के लिए, टूरिज्म बूस्ट करने के लिए, याद आ रहा है टूरिज्म, तो टूरिज्म से लिंक करो चीजों को। अब एक कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कॉपरेटिव सोसाइटी अपनी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव। अमूल दिमाग में लाया करो, जैसी कॉपरेटिव सोसाइटी है दिमाग में आना चाहिए अमूल, राइट? कि अमूल इज ऑल्सो कॉपरेटिव सोसाइटी। उसमें क्या होता है कि काफी सारे मिल्कमैन एक साथ जो है वो जुड़ते हैं और एक सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि वो बल्क में सप्लाई करना शुरू करें, उनको लोन मिले, वो उसको मैकेनाइज तरीके से जो है वो वर्क करने लगे, फॉर्मल तरीके से, राइट? तो ये होती है कॉपरेटिव सोसाइटी। तो उससे रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल आया है, तो जिसको हम लोग देखेंगे। पंजाब ने 56 गवर्नमेंट स्कूल्स के नाम चेंज कर दिए, क्योंकि काफी सारे स्कूल्स के एंड में जो है वो कुछ कास्ट के नाम लिखे होते हैं, जैसे होता है ना कि कुछ कुछ स्कूल्स के नाम जो है वो एंड हो गए जो है वो लिखे रहते, तो काफी सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स के नाम भी थे जो कास्ट के साथ एसोसिएटेड थे, तो अभी सरकार ने चेंज किया उसको लेकर। एक चीज है इसमें बाजीगर करके एक कास्ट है, बाजीगर हो बाजीगर। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इशू किया है एक मेमो ऑन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो ये भी काफी अच्छा एक आर्टिकल है और ये आपके जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन बासमती राइस, तो बासमती राइस जो है वो जनरली कहाँ पर उगती है, किस राइस को बासमती राइस बोलते हैं अपन? आपको एक चीज पता है कि बासमती राइस को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, जीआई टैग। क्या होता है जीआई टैग? हाँ, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय है ना, वो क्या है, एक उसी पर्टिकुलर जगह का एक फेमस ब्रांड है, राइट? तो ये क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह से एसोसिएटेड कोई अगर कोई प्रोडक्ट होता है तो वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की कैटेगरी में आता है, राइट? और जीआई टैग हर 10 साल में जो है वो रिन्यू होता है इसका लाइसेंस, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। और बासमती राइस जो होते हैं वो वाले राइस होते हैं जो हिमालय के फुटहिल में पाए जाते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इशू चल रहा था बासमती राइस को लेकर। और हाँ, पाकिस्तान के भी कुछ एरियाज हैं जहां पर बासमती राइस मिलते हैं, यानी कि दोनों को ही ये स्टेटस जो है वो मिला हुआ है, राइट? यस, पाकिस्तान में भी है, वेरी गुड। और अभी जो हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में बासमती राइस से रिलेटेड, कि इसमें एक अलग टाइप की फ्रेगनेंस होती है, उससे इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि बासमती राइस है कि नहीं है, तो उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक टाइडल डिसरप्शन इवेंट हम लोग को देखने को मिला, बस एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए हम लोग को कि ब्लैक होल से रिलेटेड है, मतलब कि एक स्टार जो है उससे ब्लैक होल जो है वो बाहर आ रहा है एक स्टार से, तो उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर टॉपिक है तो जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, और कोविड-19 के बाद तो स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। पर बड़ी किस चीज से रिलेटेड? क्लाउड सर्विसेज से रिलेटेड। देखो आज की डेट में क्लाउड सर्विसेज हर जगह, अपन जैसे ऑनलाइन ये क्लास भी जो है वो कंडक्ट करा रहे हैं, तो उसमें भी क्लाउड सर्विसेज की आवश्यकता हो रही है ना? क्लाउड कंप्यूटिंग एक टर्मिनोलॉजी होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग, जितना भी डेटा वगैरह हमारा होता है वो सेव होता है। अच्छा, कहाँ पर ये सेव होता है? जैसे आप फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हो, कहाँ पर सेव होती है? उनके सर्वर्स पर होती है, और सर्वर इज लाइक, जैसे ये बड़ा सा रूम है ना, ये पूरे उनके बड़े बड़े सीपीयूज लगे रहते हैं उसमें, और पूरा जैसे कि अपन पेन ड्राइव में कोई चीज अपलोड करते हैं है ना, तो वो बेसिकली फिजिकल ड्राइव्स होती है जहां पर ये पूरा डेटा जो है रहता है वो अपलोडेड रहता है। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की टेरिटरी में ही इंडिया का डेटा जो है वो होना चाहिए, राइट? तो ये चीज ठीक है। फिर
फिर बहुत ही जल्दी आपकी भी जो है मुलाकात होगी इसी प्रकार से। अभी रिसेंटली सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रोबेशनर्स ऑफिसर्स को जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, बहुत जल्दी आपको भी मिलेगा ऐसे ही कुछ। कुछ को लवासा में मिलेगा, कुछ को न्यू दिल्ली में मिलेगा, कुछ को हैदराबाद में मिलेगा। चलो फिर ये पूरे टॉपिक्स हैं आज के, तो ये पूरे स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपके इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे, राइट। चलो, सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो इसमें बस सिंपल सी दो तीन चीज आपको ध्यान में रखनी। पहले तो न्यूज क्या है कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस से, स्पेशली बीएसएफ से उन्होंने कहा था कि आप स्ट्रेंथन करो, मजबूत बनाओ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को और इंश्योर करो कि वेलफेयर प्रोग्राम्स अच्छे से इंप्लीमेंट होने चाहिए। सो की पॉइंट्स जो हाईलाइट किए हमारे होम मिनिस्टर ने वो ये है कि सोल्जर्स जो ग्राउंड पर है और फेंसिंग जो हम लोग को देखने को मिल रही है, मतलब कि इन क्षेत्रों पर, क्योंकि ये एरियाज बॉर्डर वाले एरियाज के हैं, मतलब ये जो विलेजेस हैं ये बॉर्डर एरियाज के विलेजेस हैं, तो इन विलेजेस को डेवलप करने पर फोकस किया जा रहा है। इन विलेजेस को इतनी बेटर तरीके से डेवलप किया जाए कि वहां पर टूरिज्म अट्रैक्ट हो, कि लोग बाग जो है वहां पर जाए, राइट। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर हाउसिंग, घर अच्छे होने चाहिए, टूरिज्म को प्रमोट जो है वो करना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना है, आज की डेट में रेन्यूबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है, तो रेन्यूबल एनर्जी जो है वो अच्छी रखनी है, लाइवलीहुड जनरेशन की वहां पर लोग जो है वो कमा सके, राइट। तो इन सब चीजों पर, और ये जो प्रोग्राम जो लाया गया था वो 2022-2023 के बजट में लाया गया था, एम यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना है चाइना से जुड़े हुए जो हमारे इंडिया के जो बॉर्डर है उस क्षेत्र पर, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट ध्यान में रखो, कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपको याद हो तो। फिर इसके अलावा कम्युनिटी नॉलेज भी जो है वो प्रमोट करना बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि कम्युनिटी का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉर्डर एरियाज के अंदर, राइट। दूसरे इनिशिएटिव जो है जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम है, तो इस प्रकार के प्रोग्राम जो है वो बॉर्डर एरियाज पर है। तो हमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से क्या चीज समझ में है कि ऐसा प्रोग्राम है जो कि क्या करेगा, टूरिज्म प्रमोट करेगा, और ये प्रोग्राम कहाँ की विलेजेस के लिए, बॉर्डर एरिया के विलेजेस के लिए, स्पेशली किन एरिया, चाइना, यस, ठीक है। तो बस ये इस तरीके से फैक्ट बस अपन लोग ध्यान में रख रहे हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, तो उससे रिलेटेड आपको एक आइडिया है, राइट। तो अब न्यूज़ अपन डायरेक्ट देख लेते हैं। तो यूनियन होम और कोऑपरेशन मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी, इन्होंने उद्घाटन किया है एक मेगा डेयरी का, और ये कहां पर किया है, मंडिया कर्नाटक में, राइट, मेगा डेयरी। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं प्राइमरी डेयरी। एक्चुअली जो न्यूज आई है वो 2 लाख डेयरी से रिलेटेड आई है, कि इनका प्लान है कि अगले 3 सालों के अंदर इनको 2 लाख जो प्राइमरी डेयरी जो है, मिल्क डेयरी जो है, उसको स्टैब्लिश करना है। सो ये स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं प्राइमरी डेयरी हर एक पंचायत के अंदर हमारी कंट्री के, जिससे कि जो विलेज एरिया जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि वो लाइवलीहुड वहां पर एनहेंस हो सके इस चीज के चलते, मिल्क को सेल आउट करके, राइट। सो अमूल और नंदिनी इन्होंने मिलकर जो है सेटअप करने की बात करी है कि ये प्राइमरी डेयरी को हर एक गांव जो है कर्नाटक का उसके अंदर सेटअप करेंगे, और 3 इयर्स के अंदर देयर विल नॉट बी अ सिंगल विलेज इन कर्नाटक विदाउट अ प्राइमरी डेयरी। मतलब कोई भी पर्टिकुलर कर्नाटक के कोई भी एक ऐसा गांव नहीं बचेगा 3 साल में जहां पर एक डेयरी ना हो, राइट। इसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जाएगी, कॉपरेटिव को कंप्यूटराइज जो है वो किया जाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और पूरी कंट्री के अंदर कॉस्ट वगैरह कितनी लग रही है वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के थ्रू कोऑपरेटिव है वो 70% कवर होंगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और कर्नाटक के अंदर कोऑपरेटिव है वो काफी सारी है, एग्जैक्ट नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं। पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो पूरी कंट्री के अंदर कर्नाटक में स्टैब्लिश हुई थी 1905 में, और कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो वहीं से शुरू हुआ था, राइट। तो ये वाला फैक्ट हिस्टोरिकली आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आज की डेट में 15,210 विलेज लेवल कोऑपरेटिव डेयरीज हम लोग को कर्नाटक के अंदर जो है वो देखने को मिलती। तो ये सब आंकड़े इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। पूरे इंडिया के बारे में बात करें तो 30 लाख कॉपरेटिव जो है वो पूरे वर्ल्ड में है, और उनमें से 9 लाख कॉपरेटिव जो है वो इंडिया में। बस ये वाला आंकड़ा अगर बेसिक याद रखने की कोशिश करोगे तो ठीक है, वरना उतना भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 91% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कॉपरेटिव से लिंक है, राइट, इन वन वे और अनदर, विद कॉपरेटिव कवरिंग 70% ऑफ कंट्रीज फार्मर्स थ्रू ये वाली सोसाइटी, एग्रीकल्चर, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 90% हमारे एग्रीकल्चर का फाइनेंस जो है वो कॉपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जो है वो आता है, राइट। 35% जो है वो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमें देखने को मिलता है, 30% फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता है, 40% जो है वो शुगर प्रोडक्शन होता है, 13% वीट होता है, और 20% पैडी प्रोक्योरमेंट होता है कोऑपरेटिव्स के थ्रू ही। तो कोऑपरेटिव्स एक बहुत मेजर रोल जो है वो मतलब उनका हमें देखने को मिल रहा है रूरल एरियाज में, राइट। और कोऑपरेटिव जो है
ये मासेस के लिए प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमने बात करी थी अमूल के केस में, कि अमूल जैसे एक दूध वाला है वो कितने 10 12 15 घरों को ही देख सकता है, बट अगर वैसे ही 1000 दूध वाले एक साथ इकट्ठा हो जाए तो ये मिलकर एक फैक्ट्री अपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं और वहां पर एक साथ बल्क में जो है वो पूरी स्टेट को जो है वो सप्लाई कर सकते हैं एक जगह से। तो ये चीज है, तो ये प्रोडक्शन करते हैं कॉपरेटिव स्किन के लिए मासेस के लिए, राइट। और मासेस के द्वारा ही प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन फॉर मासेस एंड प्रोडक्शन बाय मासेस, कितने सारे लोग मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं और मासेस के लिए प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे अमूल सक्सेसफुल मॉडल हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो अमूल याद रखिएगा, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन गुजरात के अंदर, राइट, तो आपको ऑलरेडी पता है क्या नाम था इनका, अमूल के फाउंडर का, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी किसको बोलते हैं, वर्गीस करके एक थे ना भाई, वर्गीस, क्या नाम था, वर्गीस करके था एक कुछ, है ना, वर्गीस कुरियन, हाँ कुरियन वर्गीस करके था ना, ठीक है। अदर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, तो एक सेपरेट अभी मिनिस्ट्री भी आई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, राइट, जिसका विजन जो है सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन, तो ये इनका विजन है, राइट। और शीर भाग्य स्कीम भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, कर्नाटक सरकार जो है वो फ्री मिल्क प्रोवाइड करा रही है स्कूल को, और खीर होगा यार ये, शीर नहीं खीर होगा, ये एस साइलेंट होगा, यानी खीर भाग्य स्कीम, शीर, अच्छा शीर मतलब दूध होता है, अच्छा, ये फ्री मिल्क जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं स्कूल्स को और आंगनवाड़ी को 5 days a week थ्रू कोऑपरेटिव्स। तो ये वाला फैक्ट ध्यान में रखना, अगर शीर भाग्य स्कीम जो है वो कहाँ की अगर ऐसा पूछ लिया जाए कर्नाटक की, तो और वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, मिल्क जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो क्या कहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहली चीज, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 2011 का हमें देखने को मिलता है। इसने एक नया पार्ट, पार्ट 9B जो है वो ऐड किया पार्ट 9A के बाद, राइट, म्युनिसिपल के बाद जो है वो पार्ट 9B ऐड किया, और ये किससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव से रिलेटेड, ये फैक्ट आप ध्यान में रखना, पहला पॉइंट पार्ट 9B किससे रिलेटेड, कोऑपरेटिव। फिर आपको आर्टिकल 19 याद रखना है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 CV अगर याद रखो तो ठीक है, आर्टिकल 19 ध्यान में रखना है। तो वर्ल्ड कोऑपरेटिव जो है वो ऐड किया गया था यूनियन और एसोसिएशन के बाद, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 C में, राइट, इसके थ्रू सभी सिटीजन जो है वो कॉपरेटिव फॉर्म कर सकते हैं, राइट, जैसे होता है ना कि राइट टू फॉर्म कॉपरेटिव, ये भी हम लोग को फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है आर्टिकल 19 के अंदर, तो ये फैक्ट ध्यान में रखो। फिर आर्टिकल 43B, ये भी ऐड किया गया DPSP के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, और इसमें मेन चीज फोकस की गई कि स्टेट जो है वो प्रमोट करे किसको, कॉपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि DPSP में स्टेट जो है वो फोकस कर दी है कि स्टेट को डायरेक्शन जो है वो दिए गए होते हैं। तो ये बस एक छोटी सी चीज है जिसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। अब हमने जो बात कही थी कि पंजाब ने 56 गवर्नमेंट स्कूल्स के नाम जो है वो चेंज किए हैं, क्योंकि काफी सारे स्कूल्स पंजाब के अंदर ऐसे चल रहे थे सरकारी स्कूल, राइट, कि जो किसी कम्युनिटी से एसोसिएटेड थे, यानी कि उन स्कूल का नाम कम्युनिटी के नाम पर जो है वो रखा हुआ था। तो एनालिसिस की गई, तो उसमें मेजोरिटी बताया गया कि स्कूल बाजीगर के, आप यहां से आपसे पूछ लेंगे कि बाजीगर कम्युनिटी जो है वो कहां की है, तो पंजाब की ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से उठाकर ये पूछ सकते हैं। पंजाब पता नहीं मुझे, बाजीगर ही मूवी देखी, नहीं मैंने गाना सुना है बाजीगर हो बाजीगर, अच्छा उसी मूवी का है क्या, अच्छा तो सर्कस थोड़ा ना था बाजीगर में, शाहरुख खान है तो, अच्छा नहीं पता, मेरे पर सर्कस कहाँ से आया, उस मूवी में तो घोड़ा था, भैरूपी है फिर। सो अब ये पंजाब गवर्नमेंट जो है इनका मूव है कि ये रिमूव करें रेफरेंसेस टू कास्ट और कम्युनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर अ सोसाइटी जो हमारी सेक्युलर सोसाइटी है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्कूल जो है वो अगर किसी कास्ट को जो है प्रमोट कर रही है तो दैट इज नॉट एट ऑल गुड, तो गवर्नमेंट का ये अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी आपसे बाजीगर का पूछेंगे कि बाजीगर कम्युनिटी कहाँ की है, तो पंजाब आप ध्यान में रख रहे हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, राइट, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इशू किया है एक मेमो सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने से एसोसिएटेड, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने सभी स्टेट्स को कहा है कि वो इंश्योर करें कि जितनी भी कोचिंग सेंटर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो स्ट्रिक्टली लागू करें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिट्रेसल एक्ट 2013 को। और कमीशन ने ये भी कहा है कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाए, राइट, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वर्क प्लेसेस से रिलेटेड, राइट,
तो उस पर्पज के लिए। तो ये वाला की कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, क्योंकि ये चीज आप मेंस में भी उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जो भी कोचिंग सेंटर जो है दे आर रजिस्टर्ड विद द रिलेवेंट अथॉरिटीज एंड अ बैकग्राउंड चेक इज कंडक्टेड ऑन दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग सेंटर्स। क्योंकि काफी सारी चीजें हम लोग को कोचिंग्स वगैरह में भी, क्योंकि ऐसे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर यूथ का आना जाना जो है वो रहता है राइट कंटिन्यूअसली। जैसे कि अगर हम बात करें 8 से 12th क्लास तक की भी अगर कोचिंग सेंटर्स की बात करें, कितना ह्यूज क्राउड जो है वहां पर बच्चों का जो है वो रहता है राइट। तो उस बीच कई बार जो है वो उस प्रकार के केसेस जो है वो हो जाते हैं, तो उससे रोकने के लिए जो है वो इस चीज पर फोकस करने की बात की गई है। अब सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 की बात करें तो उसमें विशाखा गाइडलाइन आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा विशाखा गाइडलाइन किससे एसोसिएटेड है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली चीज तो ये गाइडलाइन इशू करी, और किस केस में, विशाखा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस था। केस याद रखने की जरूरत नहीं कि केस का नाम क्या है, विशाखा गाइडलाइन जरूर याद रखने की आवश्यकता है। विशाखा गाइडलाइन किससे एसोसिएटेड है तो आपको ध्यान में रखना है कि इसने फ्रेमवर्क क्रिएट किया था या फिर ये गाइडलाइन ऐसी है जो कि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट को रिड्रेस करने से रिलेटेड है और ग्रेवियंस प्रोसेसेस मतलब शिकायत वगैरह जो है उनकी रिजॉल्व हो। और कानून जो है 2013 का उसका ये इन्हीं गाइडलाइन से जो है मोटिवेट हुआ, यानी कि इस गाइडलाइन के बाद 1997 की ये गाइडलाइन है, उसके बाद फिर ये हमें देखने को मिला कि कानून 2013 में बनाया गया। तो विशाखा गाइडलाइन 1997 जरूर याद रख लेना, भले ये पूरा केस याद हो या ना हो, विशाखा गाइडलाइन 1997, और इसका उपयोग मेंस में भी करना। फिर 2013 के कानून की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि महिलाओं के अधिकार को सेफगार्ड करना राइट, टू सेफगार्ड द वुमेन्स राइट एट वर्क एंड मेक द वर्क प्लेस अ सेफर प्लेस फॉर देम राइट। तो वर्क प्लेस को सेफ बनाना और ऑल्सो सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर बोथ अवॉइडिंग एंड एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स राइट। फिर प्रोविजन ऑफ द एक्ट कि सभी के सभी सेक्टर्स, ये चीज ध्यान में रखना, अब डिटेल में आते हैं अपन कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर के लिए ही है, वो है एप्लीकेबल है, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट एक बहुत मतलब हीनियस आप कह सकते हो कि एक क्राइम एक प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है, और उस क्राइम को रोकने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मल सेक्टर पर जो है आप एप्लीकेबल करोगे, इनफॉर्मल पे नहीं करोगे, अनऑर्गेनाइज पे नहीं करोगे, दोनों जगह ही है। ठीक है, इसने डिफाइन किया कि एक वर्क प्लेस को कि एज एन एक्सटेंडेड स्पेस बाय कवरिंग एनी प्लेस विजिटेड बाय एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयमेंट विच कुड इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। तो अपने घर से लेकर अपने ऑफिस तक कोई भी इंप्लॉई है अगर वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में भी अगर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हरासमेंट हो रहा है तो भी जो है वो ये कानून जो है वो एप्लीकेबल होगा, यानी कि अगर वैसा हो रहा है तो एम्प्लॉयर के ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी इसमें, और या फिर जो इन्वॉल्व है उस चीज में, बिकॉज एम्प्लॉयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देयर एम्प्लॉई सेफ राइट। तो वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि एम्प्लॉई अगर उनके आ रहे हैं कहीं से तो वो सेफ आए राइट, अगर वो उनको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी प्रोवाइड करा रहे हैं तो SOS के साथ प्रोवाइड कराए, क्योंकि आजकल तो कैब्स वगैरह में SOS बटन भी जो है आने लगा है, बहुत सारी चीजें। एनीवेज, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, तो कोई भी कॉर्पोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन, ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर 10 एम्प्लॉय से ज्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उसको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। एक ऐसी कमेटी होगी जिस कमेटी पर एम्प्लॉय आकर शिकायत करें और वो कमेटी क्विक एक्शन जो है बोले राइट। फिर लोकल कंप्लेंट कमेटी भी जो है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर 10 से भी कम वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं तो वहां पर लोकल कंप्लेंट कमेटी भी जो है वो एस्टैब्लिश्ड है। एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है, तो एम्प्लॉयर को जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने लीगल रिपरकशंस ऑफ एंगेजिंग इन सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, यानी कि इसको अपनी कमेटी एस्टैब्लिश जो है वो करनी पड़ेगी और इंश्योर करना पड़ेगा कि सभी लीगल तरीके से जो है वो पूरी चीज हो, यानी कि वर्क प्लेस जो है वो एक सेफ रहे। पेनाल्टीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज एन ऑफिसर आपको ये पेनाल्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो एम्प्लॉयर जो है उस अगर रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो नहीं होते हैं तो उसको 50,000 रुपये जो है वो फाइन इम्पोज मतलब होगा उसके ऊपर और उसका लाइसेंस भी जो है वो रिवोक किया जाएगा राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। प्रोसीजर जो है वो फॉलो जो करना है, तो एक पीड़ित जो महिला है उनके पास 3 months का जो है वो टाइम होता है टू मेक अ रिटन कंप्लेंट, मतलब जिस समय एक्टिविटी हुई उससे 3 months के अंदर अंदर उनको कंप्लेन करनी पड़ेगी। और कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले कमेटी जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी मीडिएशन के थ्रू बिठाकर कि जो भी चीज है बातचीत करके रिजॉल्व जो है वो किया जाएगा। और फिर इन्वेस्टिगेशन के समय पर हम लोग को देखने को रहा कि कमेटी जो है इट हैज द सेम अथॉरिटी एज द सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट की उसके पास अथॉरिटी होगी और वो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल पर भी काम करेगी। क्या होता है ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, नहीं नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, नेचुरल जस्टिस इसको बोलते हैं। देखो एक तो जस्टिस किस पर काम होता है, मतलब कोर्ट जो है वो किस पर काम करती है,
लीगल है ना, बुक्स पर काम होता है, राइट, लॉ बुक्स पर काम होता है कि लॉ बुक्स के अकॉर्डिंग ही जज जो है वो अपना जजमेंट सुनाते हैं। बट नेचुरल जस्टिस का मतलब कि बुक में नहीं भी लिखा है तो भी वो अपना जजमेंट जो है वो सुनाएंगे। जैसे कि NGT काम करती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइट, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपना जजमेंट जो है वो देती है, राइट, कहीं पे लिखा हो या नहीं लिखा हो कि इस पेड़ को बचाना है या स्पीसीज को बचाना है, नेचर में जो प्रोवाइड किए, हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ वही। और जज को अगर लगता है कि नहीं यार ये मतलब बहुत ही मतलब इनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया और रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड नहीं है, तो भी वो खुद से रूल्स रेगुलेशन बनाकर जो है वो सामने वाले को जो है वो सजा सुना सकते हैं। ये काफी अच्छी चीज है, ठीक है। सो लूपहोल्स और इश्यूज इस कानून के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, पहली चीज तो सबसे बड़ी ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, जैसे आपको क्या लगता है कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है? एग्जैक्टली, कि फीमेल्स मतलब मेनली फीमेल्स पर है, मेल्स के प्रोटेक्शन, हाँ मिसयूज भी होता है ना, इसलिए तो उन्होंने 3 months की भी ये गाइडलाइन रखी है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हो, यहाँ पर अगर आप देखो कि कंप्लेन के थ्री में मतलब कंप्लेन आप करो 3 months के अंदर अंदर, राइट, तब जाकर फिर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला अब उसको जैसे कि वुमेन है प्रमोशन नहीं मिल रहा, उसने बोला कि ऐसी की तस्वीर को बताती हूँ मैं, हाँ नहीं वो तो वैसे भी कर सकते हैं, बट कई बार होता है ना कि कोई वो नहीं मिल पा रहा उनको ऑप्शन कि किस तरीके से अपन जो है वो मैनिपुलेट करें चीजों को, क्योंकि एविडेंसेस भी तो दिखाने पड़ता है, राइट, तो बहुत सारी चीजें। सो एज एन ऑफिसर आपको ये सब फैक्ट्स जो है वो पता होने चाहिए। सो ये हाँ देखो ट्रांसपोर्ट वाला क्या होता है कि अपन जैसे बड़ी सिटीज वगैरह होती हैं या फिर इवन इन भोपाल ऑल्सो, राइट, जैसे कि आपका ऑफिस काफी दूर है, राइट, और आपको ट्रैवल करते हो जो है वो ऑफिस की तरफ जो है वो जाना है और कंपनी वो आपको ट्रैवल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करा रही है, हाँ कंपनी की तरफ से, राइट, इवन पर्सनल भी, अगर पर्सनल भी हो रहा है तो एम्प्लॉयर को देखना पड़ेगा ना कि आप कितने बजे छोड़ रहे हो क्या नहीं छोड़ रहे हो, भाई नहीं तो अब आप रात में 10 बजे उनको छोड़ रहे हो तो ये इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सेफली अपने घर पहुंचे, राइट, ये वाली चीज भी है। और उस बीच अगर उनके साथ कुछ होता है, और देखो क्या होता है, एक तो एक जनरल मतलब क्राइम होता है, एक तो बाहर जैसे अब हम देखें, और एक वर्क प्लेस से रिलेटेड क्राइम होता है, तो ये वर्क प्लेस से रिलेटेड है कि वर्क प्लेस मतलब कि वो पूरा का पूरा है, वो ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है तो मेनली वो कंपनी की कैब वगैरह जा रही है, कंपनी ने कहीं से थर्ड पार्टी से आउटसोर्स करवाया है, तो वो कंपनी ने करवाया तो दैट मीन्स कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिसको भी अगर अटैच करे तो वो प्रॉपर होना चाहिए, राइट, सही होना चाहिए उसका, नहीं बट उसमें फिर ये देखा जाएगा कि आपने किस समय पर उनको छोड़ा है, वाली चीजें भी तो होती है कि किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आप उनको जो है वो छोड़ रहे हो, भाई हमारी लोकैलिटी, हाँ बहुत बड़ा फैक्टर, नहीं लोकैलिटी तो है ही यार कि आप किस पर्टिकुलर एरिया किस जोन पर हो यार। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट आपको तो इवन ये फैक्ट भी पता होगा कि वुमेन जो है वो रात में पुलिस थाने में भी अलाउड जो है वो नहीं है, उनको नहीं बुलाया जा सकता पुलिस थाने के अंदर, है ना, रात के समय पर, ये तो वर्क प्लेस की बात है, और रात के समय पर अगर लेट नाइट अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉयी को ऐसे ही छोड़ दे रहा है बिना कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड की है तो भी एम्प्लॉयर की गलती मानी जाएगी। अगर आप देखो ना, अगर एक जनरली आप खुद अपने लेवल पर देखो, आप एक ऑफिसर हो तो आप जज कैसे करोगे चीजों को कि यार भाई मतलब कि सामने वाला व्यक्ति अपनी आप कमा उनसे रहे हो, एम्प्लॉई से रहे हो, कमा रहे हो और उसके बाद उनको आप सेफली घर तक नहीं पहुंचाने की व्यवस्था करवा रहे हो, दैट इज रॉन्ग। या तो फिर आप उनको जल्दी छोड़िए, राइट, उजाले में छोड़िए 5-6 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास छोड़िए कि जहाँ पर चहल पहल हो। आप अगर रात में 9-10 बजे अगर उनको बोल रहे हो कि आप चले जाओ और आप कोई व्यवस्था नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। तो ये चीज है, तो ये जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, कानून बहुत ही वेग है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल, ये जो कंप्लेन कमेटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि भाई अब देखो अब वो कंपनी खुद पर खुद अपनी कमेटी जो है बनाएगी तो ऑब्वियसली होता है बायस भी तो हो सकती है, अगर कंपनी का बॉस ही सेक्सुअल हरासमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ तो फिर, राइट, सो नेसेसरी स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए इस प्रकार की। हाँ ये भी है कि कई बार उल्टी सीधी कंप्लेन जो है वो आ जाती है, राइट, तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड भी जो है वो स्टेप्स लेने की जो है वो आवश्यकता है। कई बार कंप्लेन सही भी होती है बट उसमें क्या होता है कि एविडेंसेस नहीं आ पाते, तो आपको पहले उस चीज को एक व्यक्ति के बैकग्राउंड चेक को भी देखना जरूरी है, एज एन एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉयर को जो है वो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है कि स्ट्रिक्टली कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस तरीके का है, उसका नेचर क्या है, राइट। तो होता ना कि कई केसेस में देखो समटाइम्स सिर्फ कमेंट वाली चीजें नहीं होती, मैनी टाइम्स जो कुछ ऐसे अतरंगी टाइप के लोग होते हैं वो सामने वाली मतलब वुमेन को महिला को अनकंफर्टेबल सिर्फ देख कर ही जो है वो करवा देते, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब उसको आप कैसे ऐसा एविडेंस के तौर पर जो है वो लेकर आओगे, दिस इज वेरी चैलेंजिंग। तो उसके लिए एम्प्लॉयर को ये चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए कि यार वो कैसा है उसका बिहेवियर, उसका बिहेवियर अगर इस तरीके का है तो ऑब्वियसली बात है कि फायर हो भाई, हमारे पास नहीं चलोगे तो,
राइट। तो दिस इज द पॉइंट, जैसे कि आप एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप ऑफिस में हो, आपकी टीम में अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है तो आप तो उसको पहले फोर्स से फायर आउट करोगे यार, मेरे सामने ये नहीं चलेगा, तो उसको समझाओगे, राइट। दिस इज द पॉइंट। सो कंक्लूजन, तो लॉ एज अ रिवोल्यूशनरी एज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस विल हैव द ह्यूज सोशल इंप्लिकेशंस इफ पब्लिक अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड रोबस्ट इंप्लीमेंटेशन आर इंश्योर्ड। बट देखो, कानून 2013 का है, बावजूद उसके आज भी ये सब इश्यूज होते हैं, राइट। सो हाउ कैन यू टैकल दिस प्रॉब्लम? अब ये प्रॉब्लम को आप आज की डेट में कैसे टैकल कर सकते हो? अगर लिसन, कि अगर एम्प्लॉयर ही खुद उस चीज में इन्वॉल्व लेते हैं, पोर्टल्स बना सकते हो कि महिला जो है वो डायरेक्टली कंप्लेन, पोर्टल्स के अलावा वैसे भी हेल्पलाइन है, कितनी, 1090 हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1030 या 1090 ऐसा कुछ है ना, वुमेन हेल्पलाइन, पता रखो यार, ये सब चीजें आप एज अ ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है। चाइल्ड हेल्पलाइन है ना, ये 1090 है, चलो इसको आज पता करना, ये टास्क है। तो हेल्पलाइन तो ऑलरेडी है, बट आप उस चीज को प्रूफ कैसे करोगे? देखो, टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रूफ किया जा सकता है। मेक द पीपल अवेयर कि जब सामने वाला इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो आप अपने फोन को रख लो, राइट, हाथ में ऐसे रिकॉर्ड कर लो सामने वाले को, प्लीज आपके पास तो प्रूफ हो ना। समटाइम्स लोगों के पास प्रूफ नहीं हो पाता, इसलिए बेचारे नहीं, कोर्ट में तो होती नहीं है वो, तो अपन को, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, सब जानते हैं। बट आप ऐसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपके पास अगर कोई आएगा और ये रिकॉर्डिंग जो है दिखाएगा तो आप तो कंसिडर करोगे फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। एक मिनट प्लीज भैया, मैं क्लास में आपको लाऊंगा। हो जाता है, हाँ। अब सीसीटीवी भी तो है ना यार, नहीं, बट एक चीज याद रखना, आपने जिस फोन से वीडियो बनाया है वो फोन जमा करना है, मतलब कि वही फोन दिखाना है। कई बार लोग गलती करते हैं, मैंने करी, क्योंकि मेरे पर्सनल केस में ये गलती हुई थी कि मैंने जिन जिन फोन से अपने वीडियो से वो फ्रॉड्स के बनाए थे उसको सीडी बना दी मैंने, और फिर लॉयर्स मुझसे पूछने लगे कि वो डिवाइस क्या है। मैंने कहा 7-8 साल पुरानी चीजें हैं, मैंने अलग अलग डिवाइस बनाए थे, मैंने तो अपने कंप्यूटर में कर लिया, वो कंप्यूटर का है, वो डेल का यूज करता था मैं, अब वो खराब हो गया। मैंने कहा वो तो खराब हो गया, वो कहा है, मतलब बेच दिया वो तो, अपने को इतना नॉलेज नहीं था। फिर वो बोल रहे हैं कि वो आपने डिस्क का वो कुछ रिकॉर्ड किया था, क्या उन्होंने बोला था, सीडी का प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती है ना सीडी की, मतलब वो रिकॉर्ड करी थी सीरियल नंबर एंड सो ऑन, वो सब सीरियल नंबर अलग अलग होता है डिस्क के अंदर, मैंने कहा नहीं किया। तो अब देखो, ये सब चीजें तो अपने फेस करिए, इसलिए हमको नॉलेज मिला इस चीज के बारे में, अलर्ट हुए अपन। बट व्हाट अबाउट द कॉमन मैन? उसकी तो एविडेंसेस कोर्ट जो है वो हटा देगी, बट कोर्ट कंप्लीटली नहीं हटाती है। मेरी हुई ना फॉरेंसिक चेक वगैरह, सब कुछ हुआ, बट द पॉइंट इज क्या है कि अब देखो, मेरे पास थी 700 कॉल्स की रिकॉर्डिंग, 7-7.5 कॉल्स की रिकॉर्डिंग। अब इन लोग ने तो सीडी थाने से सीडी, मतलब थाने में सीडी जब्त करी थी अपन ने, इनने केस को डिले करने के लिए फ्रॉडों ने सीडी हटवा दी। अब बहुत लोग होते हैं यार ऐसा, मैं तो सोचता हूँ कि यार अपन अभी स्टेबल है, दैट्स व्हाई वी आर सर्वाइविंग, अगर कोई और व्यक्ति जिसके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो तो वो क्या करेगा यार बेचारा, बड़ी दिक्कत है यार। एफआईआर मेरे केस में नहीं लिख रहे थे, जब तक मीडियाबाजी नहीं करवाई तब तक एफआईआर नहीं लिखी थी उन लोगों ने, जब बहुत प्रेशर डीआईजी वगैरह से प्रेशर क्रिएट किया तब जाकर एफआईआर लिखी। तो ये क्या होता है कि ये लो लेवल पर धांधलीबाजी होती है, आप जिस लेवल पर बैठोगे आपका लेवल एक अलग रहेगा। जैसे मैं मिला हूँ, मैं ईओडब्ल्यू गया था, और फिर मैं गया था यहाँ पर क्या होता है डीआईजी ऑफिस गया था, जो टॉप मोस्ट ऑफिसर होते हैं उनका एक क्लास अलग रहता है, मतलब कि जब आप जो ऑफिसर रहोगे कि आपको करप्शन करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही इतना मिलता है, राइट, ऑटोमेटिकली, अपार्ट फ्रॉम दैट गिफ्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती है टैक्टिक्स यार, बट आप सामने वाली होप नहीं तोड़ते हो। आप कभी भी देखना, होप तोड़ने वाला जो इंसान होगा ना वो टीआई लेवल तक का ही आपको मिलेगा, बट हाँ कुछ कुछ होते हैं, बट वो जो होप तोड़ेंगे वो बड़े लेवल का तोड़ेंगे, 200-500 करोड़ रुपए अगर ऐसा होप तोड़ेंगे, बट किसी कॉमन मैन का आप कभी होप नहीं तोड़ोगे, आप तो उसको बिठाकर स्ट्रिक्टली वो जो है वो करवाओगे। तो मेरे केस में देखा मैंने कि डीआईजी ने तुरंत सीएसपी को वायरलेस किया, बोलते कि सीएसपी अभिवेच मुझे कॉल करो। अच्छा, एक और चीज बढ़िया देखी मैंने, ऑब्जर्व करी कि बड़ा ऑफिसर कभी छोटे ऑफिसर को खुद कॉल नहीं करेगा। तो ये बहुत मुझे वो लगा कि उनने वायरलेस खोला, बोलता कि जैसे कि आप भी हो, आप जब जैसे एसपी बन गया, कलेक्टर बन गया, आपको एसडीएम को कॉल करवाना है अपने पास, तो आप खुद नहीं करवाओगे करोगे, आप बोलोगे अपने सेक्रेटरी को या किसी को कि चलो यार उसको बोलो फोन करे मुझे। वो भी एक वो रहता है ना कि पोजीशन की, पोजीशन का जलवा कि मैं कॉल नहीं कर रहा। हाँ, प्रोटोकॉल्स, राइट, प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल इज द करेक्ट वर्ड। उनने बस वायरलेस किया और बोला कि उनको बोलिए फोन करें,
फटाक से 2 सेकंड के अंदर फोन आ गया। तो क्या चीज? हाँ, नहीं इसमें भी तो, हाँ ये इसमें भी तो है, कलेक्टर तो यही लेके आए थे रेवेन्यू के लिए। नहीं पड़े, आप जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए तो आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट सलाम ढोकेगा। नहीं वो तो छुट्टी वाला रहता है, मतलब कि कुछ दिनों के लिए आप सही बात घुसो यार सर्विस में, मजा उसी में ही है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से रिलेटेड अब फैक्ट है कुछ, तो स्टैट्यूटरी बॉडी, किस बॉडी को बोलते हैं अपने स्टैट्यूटरी बॉडी, उसे बताया था लॉ, जो बॉडी कानून के थ्रू बनाई गई हो, राइट? तो ये किस कानून के थ्रू जो है बनाई गई, 1990 के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के थ्रू बनाई गई, 1992 में ये बॉडी जो है बनाई गई। तो ये क्या करती है, रिव्यू करती है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स वुमेन के, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड जो भी वुमेन के प्रोवाइड किए जा रहा है उसको रिव्यू करेगी, राइट? फिर बताएगी है कि किस प्रकार से कानून जो है वो बनाने चाहिए, रिकमेंड करेगी कि वुमेन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, सेफगार्ड से रिलेटेड, राइट? तो जो भी परेशानी है, ग्रीवियंसेस है, प्रॉब्लम्स है, शिकायत है, उसको रिड्रेस करने का काम करती है, एडवाइस करती है सरकार को सभी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी वुमेन को अफेक्ट कर रही है, इन्वेस्टिगेट करती है, जांच करती है जितने भी इश्यूज वगैरह होते हैं जो महिलाओं के प्रोटेक्शन से एसोसिएटेड है, राइट? रिपोर्ट प्रोवाइड कराती है कि इफेक्टिवनेस ऑफ दो सेफगार्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर साथ ही साथ रिकमेंडेशन है वो प्रोवाइड कराती है इन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स का भी, राइट? जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है? इन्वेस्टिगेट करती है कंप्लेंट्स को, सुओ मोटो एक्शंस भी। क्या होता है सुओ मोटो? सुओ मोटो क्या होता है, ये शब्द यूज करना शुरू करो रेगुलर लाइफ में। सुओ मोटो कि आपने देखा कि गलत हो रहा है, तुरंत खुद से एक्शन लीजिए, सेल्फ एक्शन सुओ मोटो, ये सेल्फ है, राइट? ठीक है। अब बासमती राइस की यहाँ पर बात हो रही, तो बेसिक फैक्ट तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि बासमती चावल जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उसको मिला हुआ है, राइट? और ये वो वाले चावल होते हैं जो हिमालयन फुटहिल पर जो है वो उगते हैं मेनली, तो वो ज्योग्राफिकल लोकेशन। बट इनकी एक और खास बात होती है इन चावल की, जो आपको भी इस टॉपिक के अंदर ध्यान में रखना है, वो ये है कि इनकी एक स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, राइट? एक अलग टाइप की फ्रेग्रेंस, जैसे पॉपकॉर्न में अलग से फ्रेग्रेंस जो आती है ना, तो वैसी इसकी फ्रेग्रेंस हम लोग को देखने को मिलती है, तो उससे भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो नए ऑथेंटिसिटी रूल्स जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसका मेन एम यही है कि सब स्टैंडर्ड वैरायटी जो है वो मार्केट से हटाई जाए, तो नए रूल्स जो है वो लाने की बात की जा रही है। इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करती है नियरली 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स बासमती, राइट? तो इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में पूरे दुनिया भर के बासमती प्रोड्यूस होते हैं, और बाकी फिर पाकिस्तान के अंदर होता है। हाउएवर ह्यूज नंबर ऑफ न्यूली कल्टिवेटेड वैरायटीज लैक द यूनिक पॉपकॉर्न लाइक फ्रेग्रेंस दैट हेल्प्स टू मेक द राइस सो सॉट आफ्टर। तो जो फ्रेग्रेंस जो है जो अच्छी रिच वैरायटी में होती है वो अभी नई वैरायटीज में नहीं मिल रही है, मतलब कि सब स्टैंडर्ड वैरायटी हम लोग को देखने को मिल रही है। कोई आए क्या? ठीक है। सो यूके यूरोपियन यूनियन राइस एसोसिएशन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कुछ नए रूल्स दैट विल कम इंटू इफेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ 2023, कि अब 2023 में शुरुआत में भी है, मतलब कुछ ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन यूके के अंदर इशूज है वो क्या हो रहा है, इनके पास सब स्टैंडर्ड वैरायटी आ रही है एंड दीज आर फॉरन कंट्रीज, और स्पेशली यूरोपियन यूनियन और अगर यूएसए की अगर हम बात करें तो ये ऐसी कंट्रीज है कि ये कोई भी अगर प्रोडक्ट अपने पास इम्पोर्ट कराते हैं तो इनको चाहिए कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होने चाहिए, कि हमारी कंट्री के सिटीजन है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को इनटेक करें। तो अब ये बोल रहे हैं कि हम नया रूल्स लेकर आ रहे हैं कि जिसमें हम उसी बासमती राइस को इंपोर्ट कराएंगे जिसमें वो फ्रेग्रेंस है, जो रिच वैरायटी के हैं। सो राइस, कौन सा राइस है वो बासमती राइस के तौर पर क्वालिफाई होता है? तो ग्रेन मस्ट मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, तो कुछ स्टैंडर्ड्स इसमें होते हैं जैसे कि फ्रेग्रेंस जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी, राइट? तो उसमें एक जीन होता है, अब ये जीन याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, और बाकी उसकी ग्रेन की लेंथ भी देखी जाती है कि बोलते ना कि दाना जो है वो उसका कितना बड़ा है ना, और कितना मोटा है, राइट? लेंथ और विड्थ भी जो है वो देखी जाती है। फिर कुक्ड टेक्सचर की कुक होने के बाद जो होता है ना, बासमती राइस अपन खाते तो अलग अलग, नॉर्मल राइस जो
होते हैं वो कई बार वो मिक्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। बासमती राइस चिपकता नहीं है, ये उसकी एक अच्छी खास बात हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर क्योंकि बासमती राइस एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, तो आपको इसमें लिखा नहीं है इस आर्टिकल में, पर आपको ये चीज ध्यान रखनी कि हिमालयन फुटहिल पर पाया जाता है, राइट। और 2017 से इंडियन पेटेंट ऑफिस, इन्होंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो बासमती राइस का जो है वो दिया हुआ है, और इन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, राइट। ये वाला फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके देखो ये कुछ फैक्ट भी जो है वो देख लो बासमती राइस से रिलेटेड, कि 22 टू 32 डिग्री सेल्सियस हाई ह्यूमिडिटीज को जो है वो चाहिए, राइट। रेनफॉल जो है वो 150 टू 300 सेंटीमीटर की चाहिए। डीप क्ले और लोमी सॉइल हम लोग को इसकी देखने को मिलती है, और वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार में भी ये पाया जाता है, राइट। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया, अमन और बोरो, नहीं AUS, अमन और बोरो, ये क्या चीज दे रहे हैं, आसाम का बोल रहे हैं, नहीं। जैसे कि स्टेट्स आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा के अंदर ये क्रॉप पैडी जो है वो इस साल जो हो रही है, ये पता नहीं है क्या चीज है, बोरो AMN, पता नहीं क्या चीज, इसको देखना पड़ेगा। एनीवेज हाँ हाँ, अच्छा उस टाइप का ही है, उस क्षेत्र में जहां पर हो रहा है, आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में, ठीक है। थ्री क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, ठीक है। अच्छा ये क्रॉप्स हैं, ये क्रॉप्स के नाम है जो है उन्होंने जो है वो प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। इंडिया लीडिंग एक्सपोर्टर है बासमती राइस का ग्लोबल मार्केट में, यू नो अबाउट इट, ठीक है। फिर मेजर एक्सपोर्ट हम लोग ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, UAE पर जो है वो करते हैं, USA पे करते हैं, यमन पर करते हैं, राइट। तो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये देखो ये वाला एरिया, ये हिमालयन फुटहिल का पूरा एरिया, हिमालयन फुटहिल बस ध्यान में रखो जहां पर ये आपको बासमती राइस जो है वो मिलता है, ठीक है। अब एक टाइडल डिसरप्शन इवेंट है, इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक ऐसा इवेंट हमें देखने को मिलता है जो कि किससे एसोसिएटेड है, ब्लैक होल से एसोसिएटेड है, राइट। और एक बहुत बड़ा ब्लैक होल जो है वो एक स्टार से जो है वो रिलीज होता हुआ नजर आया है एक टेलीस्कोप के थ्रू, जिसको नासा ऑपरेट करता है, और उसी के थ्रू ये इवेंट हम लोग को टाइडल डिसरप्शन इवेंट देखने को मिल रहा है। तो टाइडल डिसरप्शन इवेंट जो है वो हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि एक ब्लैक होल जो है एक स्टार से जो है वो रिलीज होता है, राइट, निकलता है, तो उस इवेंट को हम लोग जो है वो बोलते हैं टाइडल डिसरप्शन इवेंट, बस दैट्स इट। ये चीज बस आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान में रखनी है, बाकी ग्रेविटी वगैरह का उतना कुछ डिटेल में जो है वो जानने की आवश्यकता नहीं है। बस ये चीज भी ध्यान में रखो कि इस इवेंट को फॉर्मली बोलते हैं AT2021EHB। कभी कभी सिविल सर्विस, जैसे मैंने आपको अभी बीच में बोला था कि वो जीन याद मत रखो, क्योंकि वो जीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां से उठाकर पहले क्वेश्चन पूछे उन्होंने ब्लैक होल और स्पेस वाले टॉपिक से रिलेटेड, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम पहले क्लाउड सर्विसेज की बारे में बात करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज क्या होता है, अपन बोलते हैं कि डेटा हमारा क्लाउड में जो है वो चला गया, तो दैट मीन सेव हो गया डेटा। अब दैट डजंट मीन कि क्लाउड में मतलब बादल में वाकई में चला गया, वो उनका एक सर्वर होता है जहां पर जाकर डेटा स्टोर रहता है, राइट। सो पहली चीज, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो क्या होती है, ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज। भाई देखो आपको, आपने जैसे कि गूगल ड्राइव है वो एक क्लाउड सर्विस है, राइट। आपने गूगल ड्राइव पर अपना डेटा स्टोर कर दिया, आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, अपना गूगल का आईडी पासवर्ड डालोगे, आपको डेटा वहां पर डाउनलोड कर लोगे, राइट। तो क्या लिखा है, ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्स, तो आईटी रिसोर्स जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, मतलब आपका डेटा, उसकी ऑन डिमांड डिलीवरी हो रही है। जब आप डिमांड करोगे तब आपको वो डेटा जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज, और इंटरनेट के माध्यम से, आपको इंटरनेट जो है वो चाहिए, और इसमें सर्विस ऐसी भी होती है पे एज यू गो सर्विस हम लोग को देखने को मिलती है, इसकी प्राइसिंग भी होती है। जैसे आपको पता होगा गूगल भी 15 GB डेटा फ्री में देता है, या फिर अगर अपन इसकी आई क्लाउड की बात करें तो 5 GB डेटा फ्री में देता है, उसके बाद ये बोलने लगता है कि और डेटा चाहिए तो पैसा भरो। तो ये क्या है, पे एज यू गो, पे करो और फिर सर्विस जो है वो इनकी लो, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को दी। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट, एक AWS भी होता है, आपको पता होगा अमेजोन वेब सर्विस, वेब सर्वर्स या सर्विसेज है ना, अमेजोन वेब सर्विसेज, हाँ AWS। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, सर्वर चाहिए, है ना। तो वो सर्वर जो होता है वो यही है, AWS का सर्वर आज की डेट में काफी स्मूथ चलता है, और ये वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्रोवाइडर है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सर्वर आता है, एक जैसे AWS अमेजोन का है, एक माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सर्वर रहता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जी सुन नहीं आ रहा, एक अच्छा नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम है, एक माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सर्वर। एनीवेज और भी है काफी सारे वैसे तो सर्वर्स, ये भी प्रोवाइड कराता है ना, ये डोमेन वाले, GoDaddy वाले, GoDaddy है ना मेरे ख्याल से डोमेन वाले, ठीक है। तो काफी सारे स्टार्टअप को जो है उसमें हेल्प जो है वो मिलती है, राइट। और कितना बड़ा ह्यूज मार्केट, और आज की डेट में तो हर एक, जैसे कोविड के बाद से अगर आप देखो, इमेजिन करो, तो हर एक बिजनेस जो है वो ऑनलाइन जाने पर फोकस कर रहा है, राइट।
इंडिया जो है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में, और नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो है 452 2016 में थी और 84,012 हो गई थी। वो कितनी ज्यादा मात्रा में स्टार्टअप्स हमारी कंट्री में हमें देखने को मिल रही है। स्टार्टअप इन इंडिया जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे फिनटेक इंडस्ट्री। कौन सी होती है फिनटेक इंडस्ट्री? किस इंडस्ट्री को फिनटेक बोलते हैं? ये फाइनेंशियल टेक लिखा है, फुल फॉर्म है, बट फिनटेक आपको मैक्सिमम जगह पर दिखाई देगा। जैसे बैंकिंग सर्विस होती है ना, अपन बैंकिंग एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, दैट इज फिनटेक एप्लीकेशन, राइट? फिर गेमिंग हुई, राइट? हेल्थ टेक, आज की डेट में आप हेल्थ जो है वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कौन सी है वो? प्रैक्टो वगैरह, प्रैक्टो है ना, आई थिंक प्रैक्टो करके, ठीक है। तो काफी सारी क्लाउड और सर्वर बेस, क्योंकि ये सब जितनी भी एप्लीकेशन चलेंगे किसके ऊपर चलेंगे? उनको डेटा चाहिए, सर्वर चाहिए, उसी पर ही चलेंगे, है ना। फिर डेटा स्टोरेज कंपनीज, ये भी ऑफर करती है कुछ इंसेंटिव्स, राइट, कि जिससे कि वो क्लाउड बेस्ड स्टार्टअप को अपने प्लेटफॉर्म पर जो है वो लेकर आ सके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लियर हो गया? इसका उपयोग जो है वो कहां पर होता है, यू नो अबाउट इट, राइट? तो टाइप्स है वो इनके अलग अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं, 2-3 बस टाइप्स जो है वो थोड़े से ध्यान में रखो। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, कभी कभी ये भी आ सकता है कि बताओ ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस जो है वो किसका टाइप है, क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट, फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो ये इनके टाइप्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। IaaS ये देंगे बेसिकली आपको ऑप्शन में, PaaS, SaaS ये तीनों दे देंगे, बोलेंगे कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब बेनिफिट जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या होता है भाई, आप कहीं से भी इसका उपयोग जो है वो कर सकते हो, इजी एक्सेस, राइट, जो आपको प्रोवाइड कराता है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, वन डजंट हैव टू ओवर प्रोविजन रिसोर्सेज अपफ्रंट टू हैंडल पीक लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में भी उसको बार बार चीजों को देखने की जरूरत नहीं, एक क्लिक में उसके सामने पूरी चीज जो है वो आ जाती है, और वो अगर एक्सपेंड करना चाहे तो जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकता है। आप सर्वर परचेज करो, जैसे कि वही है ना, अगर आप गूगल क्लाउड को ही ले लो, आप ड्राइव को ले लो, गूगल ड्राइव को, तो गूगल में क्या है, आप डेटा परचेज करो, एक्सपेंड करते रहो अपने बिजनेस को, है ना। कॉस्ट सेविंग, पैसा भी इसमें जो है बहुत ज्यादा बचता है, क्योंकि एक टीम जो है वो इनकी अलग मैनेज करती है, राइट। पूरे दुनिया भर में आप डिप्लॉय कर सकते हो इन मिनट्स, अपनी जो भी चीजें हैं उसको शेयर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस इंडिया में बहुत ज्यादा है, इसका पोटेंशियल बहुत ह्यूज है आने वाले समय में, आप जान ही रहे हो, आपको एग्जाम्पल्स ऑलरेडी पता है कि पूरी चीज डिजिटलाइज हो रही है, तो इसका स्कोप बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है। ई गवर्नेंस को जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रमोट करता है। देखो आज की डेट में मेघराज हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। डिजी लॉकर भी तो है गवर्नमेंट का, वो भी तो एक इनिशिएटिव है। तो आने वाले समय में देखो कितनी सारी गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, हर दिन हम कोई ना कोई नई न्यूज देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है एक पोर्टल बना रही है, वेबसाइट जो है वो बना रही है, राइट, और वेबसाइट बना रही है मतलब कहीं ना कहीं वो क्लाउड स्टोरेज ले रही है, सर्वर ले रही है, राइट। स्टार्टअप इकोसिस्टम को ये प्रमोट करता है। जैसे हेल्थीफाई मी, ये जो एप्लीकेशन होती है जिसपे आप अपना वो होता है ना कैलोरीज वगैरह जो है वो काउंट कर सकते हो कि आप इनटेक कर रहे हो, तो इस प्रकार की चीजें, ठीक है। देखो यार आने वाले समय में आपको इस चीज पर मतलब ये खुशी आपको भी होने वाली है कुछ समय के बाद। सो अभी हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने IPS प्रोबेशनर्स को, यानी कि न्यू ट्रेनीज को जो है एक नोट जो है वो प्रोवाइड किया। 74th बैच चल रहा है IPS का, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में। बड़ी छोटी सी यार अकेडमी, मजे नहीं आया मुझे, मैं गया था अकेडमी में, वैसे अंदर बहुत ज़्यादा फैली है बट बाहर से जो वो मज़ा आता है ना फील, वो इसमें नहीं है। इसकी एक नई बिल्डिंग बनी है थोड़ी आगे जाके, उसमें अच्छा सही था ये। क्या नज़ाकत का, नज़ाकत कौन है, नहीं पता मुझे। ऑपरेशन बोलो आप, फिर वो निजाम को हटाने के लिए, हाँ तो वो ऑपरेशन पोलो ही तो बोलते हैं उसको अपन, वो ऑपरेशन पोलो ही है, फुल फॉर्म है। नहीं नहीं नहीं, निजाम को इन्होंने ऑपरेशन पोलो के थ्रू जो है वो हटाया था, हैदराबाद का एक ऑपरेशन पोलो है। नहीं नहीं आप सर्च करो, ऑपरेशन पोलो सर्च करोगे आपको तुरंत आ जाएगी। UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा ऑपरेशन पोलो का, हाँ तो पोलो पुलिस एक्शन ही है। अब ऑपरेशन पोलो बस डाल दो कि ऑपरेशन पोलो इज एसोसिएटेड विद हैदराबाद। और उसका कौन सा था ऑपरेशन, अपने डिस्कस किया था ना गोवा का, गोवा लिबरेशन डे पढ़ा था ना उसने अपन ने, 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ना गोवा लिबरेशन डे। क्यों बताओ यार गोवा का किसको याद है, गोवा का ऑपरेशन है वो कौन सा था? विजय ऑपरेशन, विजय बोलो है ना, उसको याद रखना ऑपरेशन।
हाँ पुलिस एक्शन ही है, ये आप बिल्कुल करेक्ट हो, आप गलत नहीं हो, आर्मी ने नहीं किया, तो बोलो इज पुलिस, इसलिए बोल रहे आप सही हो। अच्छा 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 ये क्या बोलते हैं, आर्टिलरी नहीं, आर्टिलरी नहीं बोलते हैं, कैवलरी, ठीक है चलो। और गोवा वाला ऑपरेशन विजय, ये चीज याद रखना, दो चीजें, ठीक है। तो इसमें पुलिस के बारे में जो है वो बातचीत जो है वो की गई है कि पुलिस जो है वो एक मोस्ट वाइबल विजिबल ऑर्गन हम लोग को गवर्नमेंट का देखने को मिलता है, हर जगह जो है वो नजर आती है, क्वालिटी जो है वो उनकी लीडरशिप की वो निर्धारित करती है इफेक्टिवनेस और उनके मॉरल। अच्छा एक बहुत बढ़िया चीज इसके अंदर लिखी है, व्हाई पुलिस एथिक्स आर डिफरेंट, इसका आंसर दो आप, व्हाई पुलिस एथिक्स आर डिफरेंट। नहीं हाँ लोगों को झेलना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू डिसाइड, देखो आपको लोगों का इंटेंशन भी इन्वेस्टिगेशन करते समय देखना है कि देखो समटाइम्स व्हाट हैपन, पीपल किल समवन इन अ सेल्फ डिफेंस, राइट। तो पुलिस ही वो है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चेक करती है कि मोटिव क्या था, सामने वाले ने अगर क्राइम किया है तो व्हाट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड इट, तो उनका एथिक्स जो है वो अलग रहता है, और जो भी वो एक्शन अगर ले रहे हैं तो उनको इस चीज को देखना है कि सामने वाले का माइंडसेट जो है वो क्या है, कि किस माइंडसेट पे वो व्यक्ति है, कहीं वो साइको तो नहीं है, राइट। तो बहुत सारी चीजें, तो देखो कितनी बढ़िया चीज लिखी, लाइफ एंड लिबर्टी एक फंडामेंटल मॉरल वैल्यू है, व्हाइल मेकिंग एनी मॉरल डिसीजन द पुलिस हैव टू कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स एरे ऑफ कंडीशन, फॉर एनी एक्शन टेकन बाय अ पर्सन दे हैव टू सी मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ द एक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि मोटिवेशन क्या था कि क्यों वो व्यक्ति जो है उसने जो है वो किलिंग करी, या क्यों उसने क्राइम किया, व्हाट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड इट, तो वो चीज। So they have to do their jobs in accordance with the laws that are in place at that time. ठीक है। बस एक छोटा सा बस टॉपिक था 74th अभी हम लोग को देखने को मिला है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, ठीक है रेडी, इन्हीं जो टॉपिक्स अभी पढ़े इन्हीं से रिलेटेड रेगुलर क्वेश्चंस है, बता दो जरा फटाक से बिना देरी किए इसका आंसर बताओ, आर्टिकल 90 लॉक कर दे, बिल्कुल सही जवाब, आर्टिकल 90, वेरी गुड, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बताओ। बताइए जल्दी फटाफट, जल्दी बताओ, इतनी देर तो लग रही, कॉपरेटिव सोसाइटी पढ़ा तो है, कौन सा 1 and 3, वन एंड टू, आपका सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली टू। देखो एक नई स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर हम लोग को देखने को मिली थी कि ऐड जो है वो की गई, एक बार चेक कर लेते हैं, सी सी इनकरेक्ट है, मतलब सिर्फ ओनली टू, ये वाला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो अपन ने अभी डिस्कस तो किया था आर्टिकल 43B है ना, और फिर आर्टिकल 90 तो आपको ऑलरेडी जो है पता ही हुआ है, राइट। तो इसमें ये आर्टिकल 243Z में जो है वो ये अलग हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, बताओ। एग्जैक्टली महक जी, वही तो आपको गलती नहीं करनी है, वही गलती नहीं करनी है, वही सीखना है, बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर सामने, सी पक्का, कोई और सी के साथ जाना चाहेगा, नहीं इसके सी करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बताया होगा कि कितने मेंबर्स की बॉडी होगी,
हाँ मतलब इनकरेक्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा ना बताया कि, तो इसलिए सी करेक्ट है। हाँ तो सेटअप हुई थी 1992 में, 1990 के कानून के थ्रू, और पहले कमीशन कॉन्स्टिट्यूट 1992 में हुआ था, और ये कमीशन भी जयंती पटनायक, ये भी ध्यान में रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना। तो इसमें लिखा है कि इट इज अ 5 मेंबर बॉडी विच इज क्लासिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो गलती हुआ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं चेयरपर्सन को, ठीक है। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब ये बता दो, कॉपरेटिव्स इन इंडिया फॉलो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉपरेटिव्स कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करते होंगे? फेडरल, और कोई? या तो डिसेंट्रलाइज हो सकता है या तो फेडरल हो सकता है। डी करेक्टेड, डी फेडरल स्ट्रक्चर, दे फॉलो द फेडरल स्ट्रक्चर। क्या नहीं, अब देखो ये एक सिंगल रहते हैं ना, कॉपरेटिव्स अपन बोलते हैं ना, अब देखो फेडरल मतलब दो या दो से ज्यादा यूनिट्स है ना। नहीं देखो, सेंटर भी है अपने, स्टेट भी है, पर उस तरीके से फेडरल देखते हैं, बट सेंटर भी इंडिपेंडेंट है और स्टेट भी इंडिपेंडेंट है और है साथ में। अब आप कॉपरेटिव सोसाइटी को देखो ना, इंडिविजुअल भी कमा रहे हैं और साथ में मिलकर भी जो है वो कमा रहे हैं, है ना। दिस इज ये कहां से हो रही है? पता नहीं, ये वाला बताओ, अच्छा इलेक्शन जो है वो कौन कंडक्ट करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड का? अच्छा एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट से आंसर आ जाएगा। अब देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगी क्या? इलेक्शन कमीशन के पास इतना टाइम है क्या कॉपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को इलेक्शन करवाना? नहीं, तो ये गलत हो गया, राइट। अब एग्रीकल्चर कहाँ से आ गई भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो गलत हो गया। अब या तो ये हो सकता है या तो नन हो सकता है, राइट। तो करेक्ट आंसर है ए, कि बॉडी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, की स्टेट लेजिस्लेचर एक बॉडी जो है प्रोवाइड कराएगी इसको करने के लिए। ये वाला बताओ, ये तो आ रही है, तो 1 सेकेंड बता दोगे? कन्फर्म है, लॉक कर दें? 200% करेक्ट। ये बता दो, डी वर्किंग और विजिटिंग, ऑब्वियस बात है कोई विजिट करने भी आएगा तो भी तो एप्लीकेबल होगा ना कानून, क्योंकि वर्क प्लेस पे जो है वो हो रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो एकदम से उसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, ये कंफ्यूजन, हाँ वो मेरा काम ही रहेगा कि मैं आपको, आप सही जाओगे मैं आपको गलत जो है वो करवाऊंगा, कि जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि नॉर्मल अब सोचो, एक ऑफिसर की तरह सोचो कि कोई एक वर्क प्लेस पे आकर विजिट भी कर रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो भी तो ये कानून एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो करंट अफेयर्स आज के लिए इतना ही था, 15-20 मिनट के बाद 15-20 मिनट में शुरू करते हैं आज पॉलिटी को। जय हिंद।